तो हम निर्दलीय इसलिए लड़ रहे हैं कि हम भी बता सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम जीते से श्रीमती। तो आज युवाओं का भविष्य क्या है, युवाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, ये कांग्रेस की स्थिति है। तो आज मैं इस कारण निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। खंडवा में इस बार नगरीय निकाय चुनाव की कमान दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए आसान नजर नहीं आ रही है। नाम निर्देशन पत्रों की छटनी के बाद कई वार्डों में बागी प्रत्याशियों की सूची भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। भाजपा कांग्रेस के बागियों को मनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बागी और उनको मनाने में लगे भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं। निर्दलीय लड़ रही हूँ मैं, इसलिए निर्दलीय लड़ रही हूँ कि कुछ बड़े नेतागण जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो पार्षद रह चुके हैं और बहुत अच्छे हैं, वार्ड के लोग भी इनके लिए बहुत उनके लिए मतलब कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी जो पहचान है उनने उन लोगों को वो मतलब टिकट दिया है। तो हम निर्दलीय इसलिए लड़ रहे हैं कि हम भी बता सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम जीते। श्रीमती गौरी पति आसाराम, आपका नाम ले। मेरे पापा मीसा बंदी रहे हैं और 60 साल से बीजेपी में कार्यरत है, अभी तक कर रहे हैं, बुढ़ापे में भी कर रहे हैं, और मेरा जो ससुराल है वो भी बीजेपी को समर्थन देता है, अभी तक सब कर रहा है, लेकिन हमारा साथ बीजेपी वालों ने नहीं दिया। हम तो बीजेपी के ही रहेंगे, लेकिन वो चाहते तो हमें ज़रूर मौका देते और हम इस लायक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं विगत 15 वर्षों से टिकट मांग रहा हूँ और मैं वार्ड का स्थायी निवासी हूँ। मुझे हर बार यह बोला जाता है कि अगली बार। तो आज युवाओं का भविष्य क्या है, युवाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, ये कांग्रेस की स्थिति है। तो आज मैं इस कारण निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, मेरे को तो मेरी जनता, आपने देखा होगा कि कल भी बहुत सारे लोग उन थे, मेरे यहाँ की जनता उन थी, लेडीज उन भी थी, सब ने रो दिए। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए, तो बोले नहीं भैया आपको फॉर्म भरना है और आपको जिता के हम वापस पहुँचाएंगे। बोले आपकी ये 27 साल की मेहनत का, बोले पसीने का, हम बोले फल आपको बोले देंगे आपकी झोली में, बोले। तो मैंने बोला ठीक है, फिर अपन ने उन पहले वार्ड की जनता से पूछे, उसके बाद में अपन ने फॉर्म भरे और जीत के आएंगे। 101% दोनों तरफ से हम जीत के आएंगे। जिसकी दावेदारी मैं मोहम्मद शब्बीर कादिर, मैंने दावेदारी करा कांग्रेस से, मुझे इसका प्रत्याशी बनाया जाए ताकि मेरे वार्ड का विकास हो सके। ये भारी व्यक्ति हमें बर्दाश्त नहीं है। कभी हमें टिकट मिलता है तो हमारे 8,000 वोटर है, आप लिस्ट उठा के देख सकते हैं, 8,000 वोटर है, 8,000 पूरे हम कांग्रेस में डलवाएंगे और एक तरफा जीतेंगे, क्योंकि खानचोली इतना बड़ा वार्ड हो गया है कि आज जो महापौर जो भी बनेगा, महापौर का फैसला खानचोली वार्ड ही करेगा। 8,000 एक वोट एक तरफा गिरेंगे, तो कांग्रेस हमें टिकट नहीं देती है तो हम कांग्रेस का भी बहिष्कार करेंगे, बहुत बुरी तरह हरा देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस का कभी गुमान भी नहीं होगा इसको, इतने वोट जीरो पे ला देंगे हम। देखिए, राजनीतिक दलों में हजारों हजार कार्यकर्ता काम करते हैं, और जब छोटे चुनाव की स्थिति आती है तो हर कार्यकर्ता को लगता है कि इस तरह के चुनाव में उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और वो अपनी पूरे प्रयास करता है। कई बार की नाराजगी जो है वो खुलकर भी आ जाती है, तो इस तरह की चीज़ों का हर चुनाव में हमको सामना करना पड़ता है। नगर की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को लिया है, और कम से कम 10-12 परिवार अपने जो वरिष्ठ पार्षद जो चुनाव को लड़ चुके हैं उनको समझाने के लिए गए थे, उन्हें आश्वासन भी दिया है। बचे हुए कुछ लोग हैं उनसे आज मिलेंगे, और आज प्रभारी मंत्री हमारी देवी उषा ठाकुर जी का फ़ोन आया, उनको भी हमने आग्रह किया है कि दीदी कल आप समय निकाल के एक दिन के लिए आप आओ, और जो ऐसे कुछ कार्यकर्ता वरिष्ठ जो हमसे नहीं मान सके वो दीदी के माध्यम से उनको हम बात करके उनसे फॉर्म उठवाएंगे।